हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग कंपोजिशन स्कीम के फॉर्म नंबर 2 की बात करेंगे, CMP 02 की बात करेंगे। बेसिकली इस फॉर्म में हम लोग ये देखेंगे हाउ टू फिल अप द पर्टिकुलर फॉर्म। जैसा कि मैंने आपको पहले भी CMP 01 फिलअप करना बताया है, और आज हम लोग CMP 02 को फिलअप करना सीखेंगे। बेसिकली ये फॉर्म उन लोगों के लिए है जो इस एक्ट में रजिस्टर्ड हैं, जो CGST SGST एक्ट में रजिस्टर्ड है। दिस इज नॉट फॉर दोज पर्सन्स हु आर जस्ट गोइंग टू माइग्रेटेड फ्रॉम द ओल्ड लॉ टू द न्यू वन लॉ। उनके लिए CMP 01 है। इज इट क्लियर? CMP 02, जब भी हम बात करेंगे कंपोजिशन स्कीम में जाने की, वी हैव टू टेक अ डिसीजन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, यानी 1 अप्रैल से ही हमको डिसीजन लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप साल के बीच में सोचो, ओहो हमें तो कंपोजिशन में चले जाना चाहिए था, मेरी तो इतनी सेल थी भी नहीं। लेकिन ना, अब आपको जब भी डिसीजन लेना होगा, यू हैव टू टेक डिसीजन ऑन द 1 अप्रैल इन ईच एंड एवरी ईयर। एक बार अगर आपने ऑप्ट कर लिया, नाउ यू हैव टू कंटिन्यू विद थ्रू आउट द ईयर। और अगर मिड ऑफ द ईयर में आपकी टर्नओवर 1.5 करोड़ को क्रॉस हो जाती है, ऑटोमेटिकली आपका सॉफ्टवेयर जो GST पोर्टल होगा वो आपको वहां से हटने के लिए बोल देगा। तो आपको उसके लिए टेंशन नहीं लेना कि कब मुझे हटना है। द टर्नओवर इज टू बी कैलकुलेटेड बाय द सॉफ्टवेयर, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, यस, फॉर द पर्पज ऑफ ऑप्टिंग द कंपोजिशन स्कीम यू हैव टू टेक द डिसीजन ऑन 1 अप्रैल, 1 अप्रैल ऑफ द ईयर। ओके, तो क्या है ये CMP 02, जरा देखें। यह है फॉर्म GST CMP 02। इसमें सबसे पहले जो लिखा हुआ है, ढंग से सुनेंगे, इंटीमेशन टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 10, यानी आपको कंपोजिशन में जाना है या नहीं। दिस इज द इंफॉर्मेशन इज टू बी गिवन बाय यू टू द डिपार्टमेंट फॉर पर्सन रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट। ठीक है, GSTN नंबर सबसे पहले आपसे रिक्वायर्ड है। आपका GST नंबर फिलअप करने के लिए पूछेगा। आपको मालूम है आपका GST नंबर क्या है? विदाउट रजिस्ट्रेशन तो आप कंपोजिशन में भी नहीं जा सकते भाई। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गेट द रजिस्ट्रेशन अंडर द GST एक्ट। उसके बाद ये डिसाइड करना है कि आपको GSTN के कंपोजिशन स्कीम में जाना है कि नहीं। तो अगर आपने वहां पर रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर आप लिख लेंगे, जो आपके बिजनेस का लीगल नेम हो, ट्रेड नेम हो, एड्रेस। पक्का? जी सर। एड्रेस के बाद कैटेगरी ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, आप मैन्युफैक्चरर हैं, आप ट्रेडर हैं, या फिर आप रेस्टोरेंट सर्विसेज चलाते हैं। ये ध्यान रखेंगे कि केवल रेस्टोरेंट सर्विसेज देने वाले को, सर्विस सप्लायर केवल रेस्टोरेंट सर्विसेज यहां पर शामिल है, तो इस चीज का बेहद ख्याल रखेंगे। दिस इज नॉट एप्लीकेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ सर्विस सप्लायर, ओनली फॉर रेस्टोरेंट। इज इट क्लियर? ये आपका मैन्युफैक्चरर और ये ट्रेडर। ठीक है सर। इसके बाद फाइनेंशियल ईयर, जिस साल से आप अपना ये स्कीम लॉन्च करना चाहते हैं वो आपको देना पड़ेगा। ये है आपका ईयर, ये आपका सेंटर, स्टेट, ज्यूरिस्डिक्शन, किस एरिया में आप कवर करते हैं। उसके बाद आपको एक सिंपल डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, आई हेयर बाय डिक्लेयर दैट द अफोरसेड बिजनेस शैल अबाइड बाय द कंडीशन एंड रिस्ट्रिक्शन स्पेसिफाइड फॉर पेइंग टैक्स अंडर सेक्शन 10। एंड लास्टली यू हैव टू वेरीफाई दैट ऑल द इंफॉर्मेशन विच इज गिवन बाय मी इज ट्रू इन बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ एंड नथिंग हैज बिन कंसील्ड देयर फ्रॉम, यानी कि आपने कुछ भी छुपाया नहीं है, ईच एंड एवरी थिंग इज गिवन बाई यू। सिग्नेचर करना पड़ेगा, बात खत्म। इज इट क्लियर? प्लेस एंड डेट, बस इतना सा था आपका CMP 02। नेक्स्ट सेशन में हम लोग CMP 03 की बात करेंगे। CMP 03 बेसिकली स्टॉक इंटीमेशन के बारे में होता है, उन लोगों के लिए जो माइग्रेशन में आते हैं। तो अगर कोई कंपोजिशन स्कीम में माइग्रेशन के थ्रू आया, ओल्ड लॉ से न्यू लॉ में आया है, तो उसको CMP 01 और CMP 03 दोनों फिलअप करना पड़ता है। CMP 01 माइग्रेशन में यानी कंपोजिशन स्कीम में आने के लिए, CMP 03 अपने स्टॉक की डिक्लेरेशन देने के लिए। फिलहाल CMP 03 नेक्स्ट सेशन में, CMP 02 हम लोगों ने देख लिया। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।